1028 यूनिवर्सिटीज, 45,000 कॉलेजेस, 140,000 स्कूल्स और 33 करोड़ स्टूडेंट्स, ये सब इफेक्टेड होंगे नई एजुकेशन पॉलिसी से जिसकी हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी हायर एजुकेशन की और इस बार हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन की। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बहुत संक्षिप्त टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। पहली बात, पहला पॉइंट बैकग्राउंड, फर्स्ट पॉइंट, नेशनल हायर एजुकेशन बिल 29 जुलाई 2020 को पास हुआ और ये जो बिल है इसको अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा, इसके बाद प्रेसिडेंट की इस पर कंसेंट होगी और उसके बाद ये पूरी कंट्री पे अप्लाई हो जाएगा। ये जो बिल जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये 34 ईयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने जा रहा है। देखिए ना, 1968 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पहली बार एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, उसके बाद में 1986 में राजीव गांधी जी दूसरी बार इसको मॉडिफाई किए थे एजुकेशन पॉलिसी को, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था लेकिन वो स्लाइट्स अमेंडमेंट ही थे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 34 ईयर्स के बाद में आई है और ज़माना कितनी तेज़ी से बदल गया है और हम इसको 34 साल बाद बदलने जा रहे हैं। एक और मेजर चेंजेस ये हुआ है कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज वर्ड यूज़ किया था, इंसान को रिसोर्स बोला था, अब इसको चेंज किया जा रहा है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, शिक्षा एजुकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या इसी साल से कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी, इस साल कुछ बदलाव नहीं होंगे, जो भी प्रोविजन होंगे वो 21-22 सेशन के लिए ही अप्लाई होंगे, तो इस साल कोई भी चिंता की बात नहीं है। एक बात जो हम हमेशा करते आए, हम कहते हैं, हम सोचते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं पर वो कर नहीं पाते। जब पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी, जब दूसरी एजुकेशन पॉलिसी बनी, हर समय हमने ये बात की कि हम GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 6% खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इस बार भी हमेशा की तरह ये तय किया गया है कि हम GDP का 6% अमाउंट एजुकेशन पे खर्च करेंगे। देखते हैं ये किस हद तक पूरा होता है। इसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी में जो और बातें की गई है वो भारतीयता की बात की गई है, इंसानियत की बातें की है, इसलिए संस्कृत पे, आर्ट्स पे, ह्यूमैनिटीज़ पे, म्यूज़िक पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर काफ़ी कुछ बोला गया है। इसके बाद हम बात करें तो एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और ये भी एक इवेल्यूशन का तरीका बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये वो कोई जो मूवी आई थी जिसको हम सब लोगों ने देखा है, 3 Idiots, उसमें जो मिस्टर चतुर बनने की जो प्रवृत्ति है जिसको हम रटना कहते हैं, जिसको हम क्रैमिंग कहते हैं, उसे कम करने की कोशिश की गई है। क्रिएटिव लर्निंग को, क्रिटिकल लर्निंग को बढ़ाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि काम तो तभी स्टार्ट होता है जब पहले तय किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है। आइए NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट इज वापस आइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑब्जेक्टिव। हमेशा जब भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो एक बात तो हम हमेशा करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे बल दिया जाएगा। इस बार भी इस तरह की बात की गई है। एक कोशिश जो विशेष मुझे लगती है जो की गई है वो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश की है कि जो हम बाहर एब्रॉड जब जाते हैं वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है और हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं करता। मुझे लगता है ये कोशिश लगभग सब जगह की जा रही है, पूरी दुनिया में की जा रही है। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो हम उन्हें यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा स्टेप्स है क्योंकि कोई हिंदुस्तान से बाहर जाके भी पढ़ सकता है और बाहर से भी कोई यहाँ आकर पढ़ सकता है। ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों का स्टैंडर्ड एक ही हो, दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही हो। तो ये कोशिश की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि स्टैंडर्ड को एक रखा जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, क्रिएटिव थिंकिंग पे, क्रिटिकल लर्निंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया है। ये कोशिश की गई कि बच्चे बचपन से ही, 6th क्लास से ही अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान ही नया हुनर तराश लें। इसके बाद में एक विशेष बात जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपना इंटरेस्ट कैसे पता लगे, क्योंकि हम पढ़ते कुछ है और हमारा इंटरेस्ट कुछ अलग होता है।
स्कूल एजुकेशन के दौरान ही जब हमें अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाए कि मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, मेरे में क्या स्किल है, तो मेरे को आगे कॉलेज एजुकेशन में बहुत ईजीनेस हो जाती है। तो मुझे लगता है इसके बारे में भी इस पॉलिसी में ये प्रयास किया गया है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट समझे, वो स्किल के दौरान ही अपना इंटरेस्ट समझ जाए और इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है, तो ये कोशिश की गई है 2030 तक स्कूल में 100% बच्चे इनरोल हो और कॉलेज में स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चों का रेशियो लगभग 50% हो, 2030 तक के लिए प्लानिंग की है। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ये है पेडागोजिकल सिस्टम। किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम साइंस और आर्ट्स से मिल के बनता है, तो पेडागोजिकल सिस्टम वो सिस्टम है जिस प्रोसेस से बच्चे एजुकेट होते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं 10+2 सिस्टम हमारा था, तो सबसे पहले बच्चे जब पढ़ना चालू करते हैं, जब वे अपनी उम्र में 4 से 6 साल की उम्र में होते हैं, तब हम उन्हें नर्सरी स्कूल में भेजते हैं। इसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 10 साल के लिए वो प्राइमरी स्कूल जाते हैं और उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पे वो 11th और 12th की स्टडी करती है, सेकेंडरी लेवल की जो पढ़ाई होती है उसे सेकेंडरी स्कूल भी हम कहते हैं। तो मुझे लगता है ये 10+2 सिस्टम था जिसमें स्कूल को 10 और 2 साल समझा गया था और नर्सरी को अलग ही रखा गया था। अब न्यू सिस्टम को बोला गया 5+3+3+4। तो अब सवाल आता है कि 5 क्या 3 क्या 3 क्या और 4 क्या। तो फर्स्ट 5 ईयर इज ए फाउंडेशन स्टेज। जब बच्चा पहले 3 साल, जब उसकी एज 4, 5 और 6 होगी, उस पीरियड में वो आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूल में पढ़ेगा। उसके बाद में 2 साल क्लास 1 और 2, जब उसकी उम्र हो जाएगी 7 और 8। इसके बाद में अगले 3 साल में जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 9, 10 और 11, उस समय वो क्लास होगी 3, 4 एंड 5। इसे बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेजेस, जहाँ एक्सपीरियंस्ड बेस पे लर्निंग की जाएगी, जहाँ बच्चे को हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, बात की जाएगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा और ये कोशिश की गई कि बच्चे अनुभव से सीखे। इसके बाद में आगे बात करते हैं तो अगले 3 साल जब एज हो जाएगी 12, 13, 14 और क्लास होगी 6th, 7th और 8th, इस पीरियड के अंदर स्किल एजुकेशन देने की कोशिश की गई है। कोशिश की गई कि बच्चे इसी एज में कोडिंग भी सीखें। और आखिरी 4 साल जो है, जब बच्चा 15, 16, 17 और 18 की एज में होगा, तब वो सेकेंडरी स्टेज में होगा। ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का पीरियड होगा, जब बच्चा फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है और एनालिटिकल लर्निंग भी होगी। पॉइंट नंबर 4, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। मुझे लगता है ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। 360 डिग्री इवोल्यूशन होना चाहिए। अभी रिजल्ट आने के बाद ज़्यादातर बच्चे थोड़े से डिप्रेस दिखाई देते हैं। नंबर सोचे थे 92 आएंगे, 91 आ गए। बच्चे सोचते हैं 80% आने चाहिए, 75 आ गए। ये सब बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि इवेल्यूशन का आधार सिर्फ मार्क्स है। अब नए सिस्टम में कोशिश की गई कि एकेडमिक्स, कोकरिकुलर और प्रैक्टिकल तीनों चीज़ों को मिक्स किया जाए। और इवेल्यूशन, सबसे अच्छा इवेल्यूशन अपने बारे में कौन कर सकता है? स्टूडेंट कर सकता है। स्टूडेंट को भी इस प्रोसेस में शामिल किया गया है। उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी इस प्रोसेस में शामिल होंगे और टीचर्स भी शामिल होंगे। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि वो रेंचो बने, चतुर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा चेंजेस है, जिसमें वास्तव में इवेल्यूशन को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सहज बनाया गया है और क्रैमिंग की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की गई है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5, जिसका बारे में लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखिए, बच्चा जब अभी बहुत छोटा ही है, उस समय हम उसको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। मुझे लगता है पहले बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए और फिर स्पीकिंग होनी चाहिए, फिर वो लैंग्वेज सीखे, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो ये कोशिश की गई है 5th क्लास तक वो अपनी रीजनल भाषा में ही सीखे। अगर तमिल बच्चा है तो वो तमिल में सीखे, और अगर वो पंजाबी है तो वो पंजाबी भाषा में अपना बेसिक नॉलेज ले। मुझे लगता है दिस इज़ ए वेरी गुड चेंजेस, ये बहुत अच्छा चेंजेस है। अगर बच्चा शुरू से ही लैंग्वेज में अपनी पोएम को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है, पोएम को समझता भी नहीं है और बोलने की कोशिश करता है, तो उससे उसके लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल होते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चे जो है लर्न करना सबसे पहले सीखें। आइए फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 पे बात की है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। मुझे लगता है ये वोकेशनल एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कितनी रुचिकर है। बच्चों को 10 रोज जाना होगा
और प्रैक्टिकल फील्ड में जाना होगा जहाँ उनका बैग नहीं होगा, जहाँ वो किसी कारपेंटर के साथ काम करेंगे, जहाँ पे वो किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ जाके काम करना सीखेंगे। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस तरह से अगर बच्चे सीखेंगे तो मुझे लगता है वो फिर अपनी स्किल आराम से डेवलप कर सकेंगे। और सोचिए ना, चाइनाज की तरफ पे हमने भी कोशिश की कि बच्चे हमारे छोटे बच्चे जो अभी बहुत कम उम्र में जो कि मोबाइल पे खेलने लगे, वो इसी उम्र से इसी क्लास से क्लास सिक्स से ही कोडिंग भी सीखने लग जाए। ये भी इस एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की गई कि ऐसा भी हो, कोडिंग भी बच्चे करने लग जाए। सोचिए कितना अच्छा होगा जब बच्चों को सिक्स क्लास से इंटर्नशिप करने को मिलेगी। अगर सिक्स क्लास से वो 10 रोज के लिए बाहर जाएंगे, वो वहाँ बाहर जाकर कोई गार्डनिंग सीखेगा, कोई पॉटरी मेकिंग सीखेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन का वर्क सीखेगा, तो कितना मज़ा आएगा। तो इस तरह से कुछ पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी। और ये कोशिश की गई कि जब बच्चा स्कूल से बाहर जाए तो कम से कम उसके पास एक स्किल ज़रूर होनी चाहिए। अगर जीवन में कभी भी दिक्कत आए तो वो अपनी उस स्किल को आगे बढ़ा सकता है और इंडिपेंडेंट बन सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अभी तक हम बच्चों में डिफ्रेंसिएशन इस तरह से किया करते थे, ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये साइंस का स्टूडेंट्स है, ये आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, उनके फ्रेंड भी कुछ इसी तरह से बन जाते थे। तो मुझे लगता है ये सब बहुत ही मैकेनिकल होता था। अब ये कोशिश की गई है कि बच्चे कुछ मेजर सब्जेक्ट और कुछ माइनर सब्जेक्ट आप स्वयं सेलेक्ट करें। अब ये बैरियर नहीं रहेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की कॉम्बिनेशन लिया जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में वो हिस्ट्री भी ले सकता है, साइकोलॉजी भी ले सकता है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि साइंस वाले बच्चे बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं साइंस सब्जेक्ट में। अगर ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा तो भला प्रॉपर एजुकेशन कैसे होगी। पॉइंट नंबर 8, और यह है बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम का कितना हवा रहता है, कितना टेंशन हो जाता है बच्चों को 10th में और 12th के अंदर, क्योंकि पूरे साल भर की पढ़ाई, आज एग्ज़ाम होने वाले हैं, साल भर की पढ़ाई पूरी हो गई है, और उस समय अगर ख़राब हो गए पेपर तो पूरा साल ख़राब है। अब ये किया गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत सिंपलीफाई किया जाए, बोर्ड एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज रखा गया है। ये भी बहुत अच्छा है कि आप सेमेस्टर वाइज पढ़िए, ताकि आपका जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो 2 पार्ट पे डिवाइड हो जाए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। इसके अलावा एग्ज़ाम भी कुछ डिफरेंट तरीके से लिए जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और भी कुछ क्रिएटिव तरीके से एग्ज़ाम को बनाया जाएगा, ताकि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो सके। और एक जो विशेष बात जो इस दौरान होगी बोर्ड एग्ज़ाम में, वो क्रैमिंग के हैबिट को कैसे कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाले समय में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे और बच्चों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 9, और यह है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, अमीर और गरीब, हम सभी ये दिल से मानते हैं। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका दायरा बढ़ाया गया है। अभी तक RTE यानी राइट टू एजुकेशन क्लास 1 to 8 तक थी, और अभी इसको कर दिया गया है 1 to 12, यानी जो सीनियर बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का पूरा अधिकार मिलेगा, वो भी अमीर बच्चों के साथ स्कूल में बैठ के पढ़ सकेंगे। ये भी एक अच्छा बदलाव है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, यह है टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन को 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, अगले साल या उसके अगले साल ये चेंज एप्लीकेबल नहीं होने जा रहा है। ये इस पॉलिसी में लिखा गया है कि 2030 तक सभी टीचर्स एटलीस्ट 4-year बीएड डिग्री, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री पूरी कर चुके हों। इसलिए अभी सफिशिएंट टाइम है, और ये कोशिश किया गया है कि ये जो टीचिंग प्रोसेस है इसे स्टैंडर्ड किया जाए, इसे यूनिफॉर्म बनाया जाए। मुझे लगता है ये भी अच्छा बदलाव है। और इसके अलावा जो टीचर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्हें बार बार सेक्रेटरीट जाना पड़ता था, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होने वाला होता है, उन्हें बहुत परेशानी होती थी। अब ये कोशिश की गई कि उनका ट्रांसफ़र या पॉलिटिकल पोस्टिंग को बंद किया जाए। पॉइंट नंबर 10, यह है टीचर्स एजुकेशन। अगर आप टीचर्स बनने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको टीचिंग के लिए अब ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि आपको टीचर बनना है, और ये 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसे कंपलसरी किया जा रहा है, ये 2030 तक कंपलसरी कर दिया जाएगा। सो मुझे लगता है ये बहुत ही फोकस्ड तरीके से काम करने का तरीका है, क्योंकि हम इंजीनियर बनने के लिए 12th के बाद फोकस हो जाते हैं, हम डॉक्टर बनने के लिए
ट्वेल्थ के बाद फोकस हो जाते हैं, और अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप ट्वेल्थ के बाद ही बीएड के साथ अपना ग्रेजुएशन करना आरंभ कर दें। एक और विशेष बात, टीचर्स एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए NCFTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एस्टेब्लिश की गई है, जो 2021 से अपना काम करना चालू कर देगी। ये कोशिश की गई है कि ये जो टीचिंग का तरीका है पढ़ने का, ये पूरी कंट्री में एक ही रहे, तो स्टैंडर्ड तरीका और यूनिवर्सल सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि टीचर्स के को ट्रांसफ़र के लिए परेशान ना होना पड़े, तो टीचर्स के ट्रांसफ़र को और पॉलिटिकल पोस्टिंग को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स जब पॉलिटिशियन के पीछे घूमने लग जाता है तो अपनी वास्तव में असली एजुकेशन को ही भूल जाता है। पॉइंट नंबर 11, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। NTA क्या करेगा? NTA कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करेगा। किन के लिए करेगा? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए करेगा। इसके पीछे क्या होगा? इससे बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा, बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेंगे, वो जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स होंगे उस बेसिस पे तय किया जाएगा। इस तरह से एक एग्जामिनेशन बॉडी कंडक्ट की गई है जिसके बेसिस के ऊपर बच्चे अपने हायर एजुकेशन के लिए जा सकेंगे। मुझे लगता है ये काम डुप्लीकेट हो रहा है। ये जब हमने बोर्ड एग्जाम वास्तव में कंडक्ट कर लिया है, जब हमने 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम एक स्टैंडर्ड तरीके से कंडक्ट कर लिए है, तो फिर ये डुप्लीकेसी क्यों? फिर बच्चों को बार बार एग्जाम क्यों किया जा रहा है? ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि विचारनी है, जिस पे विचार करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 12, जो कि वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और इसका काम होगा कि वोकेशनल एजुकेशन को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसमें इंटीग्रेटेड वर्क किया जाएगा SC ST और OBC स्कॉलरशिप। और पॉइंट नंबर 14, आखिरी पॉइंट, यह है डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक एजेंसी हो जो इंडिपेंडेंटली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे और डिजिटल कंटेंट पे काम करे। मुझे लगता है ये 14 पॉइंट के अंदर हमने स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड लगभग सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। हम बात कर रहे हैं गुरु KPO से, और मुझे लगता है कि गुरु KPO ऐप जो ऐप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने डिजिटल एजुकेशन में वैसे ही काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। गुरु KPO जो ऐप है, जो गुरु KPO वेब पोर्टल है, यहाँ पर 3000 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। एक ऐप जिसके अंदर सभी क्लासेस अवेलेबल है, जहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई भी कोर्स पढ़ना हो तो वो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम मिलते रहेंगे वापस। अगर आप चाहें तो गुरु KPO ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियो, आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। सो ज़रूर आप डाउनलोड कीजिएगा। मिलेंगे वापस, फिर बात करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खामियाँ भी रही हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम फिर लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें हम एनालिटिकल बात करेंगे, जहाँ हमने अभी स्ट्रेंथ की बात की है, क्या वीकनेसेस है, क्या कमियाँ रहने वाली है, बजटरी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, बातें की गई है या कोई दिशा भी तय की गई है, ये सब बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।